अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको कीमे वाली मैक्रोनी बनाने की तरकीब बताते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की बनती हैं। कुछ लोग गोश्त खाना पसंद नहीं कर रहे होते, ख़ास तौर से बच्चे, उनको कीमे में इस तरह की चीज़ें बना के दी जाएँ तो ये बहुत अच्छी हैं। बच्चे भी खा लेंगे, उनके लिए सेहत के लिए भी अच्छी होंगी और जायके में बहुत मज़े की होंगी। ये देखें, हमने थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। इसको हम हल्का थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, इसके अंदर अब हम कीमा डालेंगे। तकरीबन 400 ग्राम हमारा कीमा है। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इसको थोड़ी देर हम ढकेंगे। ये देखें, कीमा हमारा तकरीबन गल गया है। और इसके बाद बारी है प्याज डालने की। प्याज में थोड़ी सी देर पकाएंगे, 5-6 मिनट। आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी ये सब्ज़ियाँ हम इसमें डालते रहेंगे, कीमे को गलाते रहेंगे। नमक डालेंगे हम अपने जायके के मुताबिक। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला है। इसके बाद मैंने टमाटरों का पेस्ट डाल दिया इसमें। इसको भूनेंगे हम, दरमियाना चूल्हा हमने रखा हुआ है। कीमे का गलने का प्रोसीजर चल रहा है आस्ते आस्ते हर सब्ज़ी के साथ। ये देखें, घी छोड़ दिया है कीमे ने। अब हम इसमें अगली सब्ज़ी डाल देंगे। गाजर डाल रहे हैं और बंद गोभी डाल देंगे। शिमला मिर्च को हम थोड़ा बाद में डालेंगे। हरी मिर्च भी हमने डाल दी है इसमें। हरी मिर्चों की आपकी मर्ज़ी, आपको पसंद है तो डाल लें, हमें तो अच्छी लगती हैं सब्ज़ी के साथ। हरी मिर्चों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ी देर के लिए इसमें पकाएंगे अब हम, 5 से 6 मिनट। अब शिमला मिर्च डाल रहे हैं नाजरीन, इसमें हम शिमला मिर्च सबसे आखिर में डाली जाती हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। हल्की सी भाप में ये नरम पड़ जाती हैं। अगर इनमें कच्चापन थोड़ा सा आए भी तो वो अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। ये हम इसके अंदर सिरका डाल रहे हैं। ये 4 चम्मच हमने बड़ा वाला चम्मच, 4 चम्मच सिरका डाला है, 1 चम्मच चिली सॉस, और ये हम सोया सॉस डालेंगे अब इसमें हम। ये देखना, 3 चम्मच सोया सॉस डाल दी हमने इसमें। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है सब्ज़ियाँ और कीमे की। मैक्रोनी हमने बॉईल करके रखी हुई हैं। ये 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर का हम डाल रहे हैं और ज़ीरा पाउडर इसमें डाल रहे हैं हम 1/2 चम्मच। सात सौ ग्राम हमने मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई हैं। ये नाजरीन, कीमा हमारा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैक्रोनी हम डाल रहे हैं। देखें किस तरह से एक एक दाना हुई हुई है मैक्रोनी हमारी। हमने इनको उबालते हुए
सिरका डाला था गर्म पानी में, और उसके बाद छाननी में निकाल कर ठंडा पानी डाल के ऊपर से 2-3 चम्मच तेल का हमने इसमें लगा के रखा हुआ था। बहुत ही मज़ेदार खिली खिली ये बनी है। 1 चम्मच सिरका ही बहुत होता है बस। ये देखें किस तरह से कीमा, सब्ज़ियाँ और मैक्रोनी अलग-अलग एक एक दाना होया हुआ है। बहुत ही मज़ेदार डिश बनी है नाजरीन हमारी। बनाइएगा हमारे तरीके से, बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नाजरीन। थोड़ा सा सोया सॉस इसमें हम और डाल देंगे। और एक चम्मच तकरीबन सिरका डालेंगे और इसको फिर मिक्स कर देंगे। और तकरीबन 5-6 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। अब हम ये देख रहे हैं नाजरीन, दम से हटाकर हमने देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है माशाल्लाह से। एक एक दाने में खुशबू फैल गई है इसकी। सर्व करके आपको दिखाते हैं। हमारे चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ओके नाजरीन, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बहुत मज़े की डिश बनी है हमारी।